$2,000-$2,500 आई वाज लाइक ये चीज $600 से $2,400 चली गई है इन लाइक वन एंड हाफ टू मंथ्स मंथ्स राइट लाइक यार डूड हो गया डबल हो गया $2,000 से फिर से क्या चल रहा है तो दैट इज द केस द गुड थिंग अबाउट इट इज एज आई कीप सेइंग इसकी अगर ये अच्छा चल रहा है ना तो ऑल्ट मार्केट्स एंड लाइक द एंटायर ऑल्ट सीजन वर्क्स वेल सो इफ इथेरियम मेक्स अ टॉप उसके बाद ऑल्ट सीजन थोड़े टाइम चलता है सो जब तक लोगों को रियलाइज नहीं होता ना ये बात कि इथेरियम हैज मेड अ टॉप तब तक ऑल्ट सीजन चलता है जब लोगों को रियलाइज हो जाता है कि भाई इथेरियम तो इज डाउन 30-35-40% फ्रॉम द टॉप एंड इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक लाइकली तब फिर फटती है कि बॉस अब हो गया राइट सो तो जब तक ये टॉप नहीं बना रहा तब तक खिंच रहा है मामला तो चलने दो इट्स गुड इट इज डेफिनेटली गोइंग लाइक विदाउट रिट्रेसमेंट एट दिस पॉइंट ये एक ये जो छोटा सा मस्ती वाला रिट्रेसमेंट था बस उतना ही है राइट ये इतना उसके सिवाय तो देर इज नो रिट्रेसमेंट एट ऑल राइट सो ये मतलब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर था ज़ूम आउट करके बताना चाह रहा हूँ एक चीज ये जो स्ट्रक्चर था ओके ये तो अप ट्रेंड था मतलब हायर 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 लो बना रहा था प्राइस वाज स्टेडीली गोइंग अप ओके बट दिस फ्रॉम सिंस इट मेड दिस 2200 से जो 4200 वाला है ये तो ऑलमोस्ट एक स्प्रिंट जैसा है सो वन वे मूवमेंट एक्सेप्ट दिस स्मॉल पुल बैक इट्स ऑलमोस्ट अ वन वे मूवमेंट इट्स गोइंग वन वे स्ट्रेट विदाउट एनी पुल बैक्स और बड़ी कैंडल्स राइट सो ये एक बड़ी कैंडल है ओके वन This is two. This is also pretty like मतलब अब इसके सामने छोटी लग रही but this is still a 7% candle with almost no wicks and there's one more right. So मतलब 10-15 दिन के span में 3-4 बड़ी candles बन रही जिनमें बहुत छोटे-छोटे wicks हैं. There are absolutely no wicks in the structure right. So ये मेरे को बताता है कि यार बहुत bullish है मामला and people have asked me at $2,500 $3,000, $3,500 should be sell ether, should be sell ether. I would say, dude, I don't know when will it make a top. I also don't know उसके बाद वो कितना रिट्रेस करेगा पर मुझे ये पता है कि जब तक गाड़ी चल रही है तब तक उतरने की कोशिश करने से नुकसान ही होता है right? When you see the car slowing down, that's when you try and decide. मतलब वो decision जो है कि मैं बेचूं कि नहीं या मैं profit book करूं कि नहीं उसे delay कर दो जब तक Just keep pushing it forward. देखो कभी ना कभी तो profit book करने है. Right? So you, I'm not saying hold for your life or hotel वाले मैं नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ कभी ना कभी तो book करना है. But उसे delay कर दो क्योंकि यहाँ पे कोई signs of slowing down अभी तक तो नहीं दिख रहे. जब वो दिखने लगेंगे, जब हमें दिखेगा कि यार structure अब उतना अच्छा नहीं है, तब हम then it is for you to decide. Then it's your call कि भाई क्या मुझे मतलब भरोसा है सम पीपल आर लाइक वी डोंट माइंड इट गोइंग डाउन बाय लाइक 50% एंड देन यू नो बाय द डिप और व्हाटएवर इट सो सम पीपल डू दिस काइंड ऑफ लाइक मंथली थिंग वेयर दे बाय इथेरियम एवरी मंथ लाइक और बिटकॉइन एवरी मंथ व्हाटएवर अगर आप वैसे कर रहे हो तो वैसे करो अगर आप ट्रेडिंग के लिए हो तो आपने बोला कि यार मुझे जैसे ही दिखा कि यार यहाँ आप स्ट्रक्चर अच्छा नहीं मैं थोड़ा प्रॉफिट ले लेता हूँ या स्टॉक लॉस चेंज कर लेता हूँ वो सब वो आपके ऊपर है दैट टू फिगर आउट बट आई वुड से देयर इज नो रीजन टू शॉर्ट इट एट ऑल There is literally no reason. I understand it is sitting at very close to like, I think what, $450 billion? I don't know what is the market cap. I didn't check. वो बढ़ता भी इतना है ना 350 से 450 एक ही दिन में दो दिन में हो जाए क्या पता तीन दिन में हो जाए कोई भरोसा नहीं मतलब if you get busy with something and don't check coin market cap तो ये तो भाई कहीं भी निकल लेगा So but very close. है. What I understand is it is very close to 500 billion. Just a couple, say 10, 20 billion, 30 billion lower. And that is insane because like half a trillion dollar asset class means that it's almost half the market cap of Bitcoin. So it's 477, the market cap. Right, 477. So, हाँ, तो मतलब Bitcoin से बस almost आता है, थोड़ा सा ही उससे कम. Now this tells me that people are really bullish on Ethereum because across मतलब जब से launch हुआ है 2015-14 में मतलब जब से Ethereum आया, तब तक this market cap ratio was never half. मतलब 20-30% तक गया बट 50% आई हैव नॉट सीन इन लाइक एटलीस्ट लिक्विड मार्केट्स पहले पता नहीं मुझे बट जब से मतलब 2017-2016 जब से मार्केट्स में काफी लिक्विडिटी है तब से मैंने कभी नहीं देखा अब या तो दैट टेल्स मी कि यार इथेरियम माइट बी मेकिंग अ टॉप बिकॉज इट्स टू ओवरवैल्यूड और व्हाटएवर और इट माइट बी टेलिंग मी दैट बॉस इथेरियम हैज फाइनली अराइव्ड राइट नाउ इट डजंट केयर व्हाट मार्केट कैप बिटकॉइन होल्ड्स इट्स गोइंग टू कंटिन्यू
राइट. सो वो दोनों चीजें, दोनों आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, पर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसको शॉर्ट बिल्कुल मत करो. क्योंकि दो बातें, एक तो ऑल्ट सीजन और बुल मार्केट चल रहा है जिसका ये यू नो दिस इज द बिगेस्ट ऑल्ट. तो अगर ऑल्ट सीजन चल रहा है तो देयर इज नो लॉजिक इन शॉर्टिंग दिस. एंड द सेकंड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज दैट कि स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है. मतलब अफकोर्स कभी ना कभी पुल बैक आएगा, अफकोर्स आएगा. क्यों? क्योंकि यार डूड लाइक ये कैसे सस्टेन करेगा, 2200 से 4200 पहुंच गया है पिछले 15 दिन में और बिना पुल बैक के, तो कभी तो आएगा. पर अब जब आएगा तब की तब देखेंगे. राइट नाउ द आइडिया शुड बी कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कीप होल्डिंग योर लॉन्ग पोजिशंस इफ यू हैव देम. इफ यू डोंट हैव देम तो देख लो पुल बैक वगैरह जैसे भी आपकी स्ट्रेटेजी है, बट शॉर्ट बिल्कुल मत करो, प्लीज मत करो. क्योंकि शॉर्ट करोगे और फिर ये मैं बता रहा हूँ 3000 पे भी लोगों ने शॉर्ट किया है, 3500 पे भी किया है, और सबका एक ही हाल होता है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे. सो देयर इज नो पॉइंट गोइंग अगेंस्ट मोमेंटम, और मोमेंटम अभी अपसाइड पे. सो प्लीज अवॉइड शॉर्टिंग. लॉन्ग इट्स अप टू यू टू फिगर आउट, बट प्लीज अवॉइड शॉर्टिंग. मैं लेवल बना देता हूँ एक मिनट के पास में. इसका ना एक अच्छा जोक भी था, किसी ने ट्विटर पे पूछा था कि अगर व्हाट हैपेंस इफ इथेरियम क्रॉसेस द मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन, तो क्या बिटकॉइन अल्टकॉइन हो जाएगा? So, conclusion for Ethereum, very bullish, बहुत strong uptrend. Please short मत करो, कोशिश करो अगर आपको long trade लेना है और अगर अच्छा कोई pullback मिल जाए तो. अब नहीं दे रहा है pullback, जैसे नहीं दे रहा है मतलब काफी time से, तो फिर कोई बात नहीं, देख लो अपनी strategy बना लो. Short बिल्कुल मत करो. The support is at 3527. इतना दूर? हाँ, अब क्या कर सकते हैं, pullback ही नहीं दे रहा. सुधांशु ने पहले ही predict कर लिया था. Magnet camera. करो करो, सुधांशु कह रहा था शॉर्ट अवॉइड करो, लॉन्ग देख लो. सो यू नो यार सुधांशु.